अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अट्रैक्टिव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने नामों के मुतालिक कि हम उनको कैसे इफ़ेक्ट दे सकते हैं या कोई ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसको हम बतौर लोगो यूज़ करना चाह रहे हो अपने शॉप के लिए, किसी अपने बिजनेस के लिए आप उसको एज अ लोगो यूज़ करना चाह रहे हो, या आप किसी ऐसे नेम को अपने डीपी पे लगाना चाह रहे हो जो खूबसूरत लगे, तो आप उसे लिख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग किस्म के उसे आप इफ़ेक्ट दे सकते हो। कैसे करना है, आपने एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने, अगर आपसे एक परमिशन मांगे तो आपने उसे अलाउ कर देना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में वर्क कर सके। उसके बाद फ्रेंड ये देखें, यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपने नेम या किसी भी ऐसे टेक्स्ट पर लगा सकते हैं जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं आपको 2-3 चेक कराऊँगा जो मुझे अच्छे लगते हैं और उन्हें सेव करने का तरीका बताऊँगा। चलिए ये वाला जो ओपन कर लेते हैं हम सबसे पहले, तो ये जो देखें हमारा जो टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल इस शेप में लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टेक्स्ट हेयर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोई भी टेक्स्ट जो है वो दे देना है जिसको आप इफेक्ट देना चाह रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाला इफेक्ट जो है इसको दे देता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जनरेटिंग इमेज प्लीज़ वेट, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है और उसके बाद जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी और बहुत ही अमेजिंग किस्म का इफेक्ट जो है आपके टेक्स्ट पे आ जाएगा। ये देखें हमारा जो लिखा था मैंने नाम वो आ गया है, ठीक है। अब आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, क्रॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे इसका फ्रेम ना चाहें तो आप इसे फ्रेम भी दे सकते हैं इस तरह का, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें। उसके बाद अगर आप चाहें इसका फ़िल्टर भी दे सकते हैं, फ़िल्टर मतलब कलर दे सकते हैं, कलर इसमें कौन सा हो, मुख्तलिफ कलर होते हैं, ठीक है, आप जो चाहे उसे कलर दे सकते हैं। उसके बाद आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस कितनी हो, ठीक है। उसके बाद इसे कंट्रास्ट जो है आप दे सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कंट्रास्ट देने के साथ सिचुएशन है इसको बढ़ाओ कम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियरिटी है, उसके बाद शेडो वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इफेक्ट इसमें हैं वो आप दे सकते हैं। इसके ऊपर टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, देखें ये वाला टेक्स्ट जो है, तो ये टेक्स्ट जो है ओके करेंगे इसके ऊपर, तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे आ गया है, तो मैं इसे नहीं लगाता। उसके बाद यहाँ पे स्टिकर मिल जाएंगे आपको बहुत सारी किस्म के, यहाँ देखें ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरलेटी है, फ्लोरिश है, बहुत सारे इफेक्ट जो है आप उन्हें लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि और कौन कौन से जो है इफेक्ट जो है हमारे पास हमारे इस ऐप में मौजूद हैं जो हमें हमारे इस टेक्स्ट को बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग बना सकते हैं। ये वाला देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये वाला बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपके टेक्स्ट पे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टेक्स्ट हेयर, यहाँ पे आप इसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देना है और क्रिएट पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। नीचे अब वो देख रहे हैं परसेंटेज यूज़ हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिंग इमेज प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करना है 5 से 10 सेकंड, और उसके बाद आपका जो इमेज है आपकी जो टेक्स्ट है वो खूबसूरत बन जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा था अट्रैक्टिव वर्ल्ड, तो कितना खूबसूरत जो है वो लिखा हुआ आ गया है, बहुत ही अमेजिंग किस्म का बन गया है। इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें कोई इसका जो है वो इस ऐप का वाटर मार्क नहीं है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर उसका वाटर मार्क आता है, जिससे पता लगता है कि यार ये जो ऐप है, ये जो नेम दिया गया है या इफेक्ट दिया गया है, ये फ़िलहाल ऐप से दिया गया है, ठीक है। तो इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें कोई ऐसा वाटर मार्क नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, ताकि लोगों को पता ना चले कि यार इसने किसी ऐप का यूज़ किया है। ये बहुत ही आसान है, आप इसे अपने मोबाइल में बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही खूबसूरत बनेगा आपका एक टेक्स्ट जो है, उस टेक्स्ट को क्रिएट करने के बाद आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, अपने डीपी पे लगा सकते हैं, अपने प्ले स्टोर पर लगा सकते हैं, सॉरी जहाँ पर आप चाहें उसे लिख सकते हैं और इसे किसी को शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।